नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपये मिलेंगे। तो कांग्रेस ने अपनी सरकार बनते ही 1500 रुपये देने का महिलाओं को वादा किया था। तो अब नई शर्तें क्या ये रखी गई हैं, तमाम जानकारी आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक। तो हिमाचल में परिवार में सिर्फ एक ही महिला को मिलेंगे 1500 रुपये, क्या होंगे नियम और शर्तें। हिमाचल में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने की घोषणा को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी की पहली बैठक पिछले कल सब कमेटी के चेयरमैन एवं कैबिनेट मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में हुई। इसमें अन्य दो मंत्री चंद्र कुमार और अनिरुद्ध सिंह भी शामिल थे। बैठक के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने इस योजना को लेकर फॉर्मूले की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नारी सम्मान योजना को लागू करना सरकार की प्राथमिकता है और 2011 की जनगणना के मुताबिक कुल 68,64,602 की आबादी में से कुल 33,82,729 महिलाएं इस प्रदेश में हैं। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार 18 से 59 आयु वर्ग की महिलाओं के लिए प्रति माह 1500 रुपये प्रदान करेगी, लेकिन इसके लिए पात्रता का फॉर्मूला भी बनाया जाएगा। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अनुसार इस आयु वर्ग में 2022 तक कुल महिलाएं 22,40,492 थी। मंत्री ने बताया कि पहले चरण में 18 से 25 साल तक की महिलाओं को 1500 रुपये देने पर फैसला हो सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय कैबिनेट ने लेना है। इसके लिए 75,000 रुपये वार्षिक पारिवारिक आय को आधार बनाया जा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो पहले चरण में 18 से 25 साल के बीच सिर्फ 2,28,655 महिलाओं को यह पैसे देने पड़ेंगे और वार्षिक व्यय 411 करोड़ रुपये आएगा। वहीं ऐसा इसलिए क्योंकि इस आयु वर्ग में कुल महिलाओं की संख्या 457,309 है, लेकिन आय सीमा की शर्त लगाने के बाद यह संख्या करीब आधी हो जाएगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि परिवार में महिलाएं चाहे कितनी हो, यह सम्मान राशि एक परिवार में ही एक महिला को ही मिलेगी। यदि सभी महिलाओं को यह धनराशि देनी हो तो हर साल 4,000 करोड़ चाहिए, जो संभव नहीं लगता। तो यही है बड़ी विशेष खबर कि हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपये को लेकर सभी उपलब्ध विकल्पों पर विचार चल रहा है, उसके बाद ही यह स्कीम फाइनल हो पाएगी। तो अभी के लिए यही है बड़ी खास खबर। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।